हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एट योर सर्विस। क्या आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू स्पीक गुड इन इंग्लिश? इफ द आंसर इज यस, अगर जवाब है हाँ, तो देखिए इस वीडियो को एंड जुड़िए हमारे स्टफ से और आप देखेंगे कि आई विल मेक यू अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश विथ गिविंग फ्यू टिप्स एंड हिंट्स। मैं आपको एक अच्छा अंग्रेजी का वक्ता बना देता हूँ सिर्फ थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी चीजों को, हिंट को फॉलो करते हुए, टिप्स को फॉलो करते हुए। यू सी, व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, जब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बोलना एंड इफ यू डोंट नो अबाउट इट, तो हमारे मन में सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है डर, फियर। वी हैव टू कॉम्बैट दैट फियर, हमें उस डर से लड़ना है। द नेक्स्ट थिंग इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। वो धीरे धीरे आ जाएगा इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कॉन्फिडेंस कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। कॉन्फिडेंस दो चीजों से आता है, एक एक्सपीरियंस है, दूसरा नॉलेज से। तो नॉलेज तो आपको आई होप होगा, नहीं होगा तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, आपको नॉलेज भी हो जाएगा। एंड इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी, और अगर एक्सपीरियंस हो गया तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एंड इफ यू हैव कॉन्फिडेंस तो फिर आप बोलने लग जाएंगे। एट फर्स्ट टू रेज कॉन्फिडेंस यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नियर मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंख से आंख मिलाएं और प्रैक्टिस करना शुरू करें। इफ यू आर एबल टू डू सो, अगर आप ऐसा कर सकते हैं और कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग विद वन ऑफ योर फ्रेंड, फिर किसी दोस्त के साथ करें। धीरे धीरे ग्रेजुअली वन डे यू विल बी एबल टू कम अप ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट होल्डिंग माइक इन योर हैंड एंड यू विल बी स्पीकिंग एज गुड और एज फ्रीली एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। आप भी इसी तरह बोल पाएंगे, फिर आप कैमरे को भी फेस करने लगेंगे, रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस को भी आंसर करने लगेंगे। इंग्लिश विल बी ए वेरी इजी टर्म फॉर यू। बट स्टार्ट कैसे करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्टार्ट कैसे करें, आपने कई सारी वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब चैनल सर्च करा होगा, देर आर सो मेनी ट्रेनर्स एंड टीचर्स बोलस्टरिंग एंड बोस्टिंग कि दे विल मेक यू अ वेरी गुड स्पीकर, बट वो कुछ कर नहीं रहे हैं। दे आर ओनली टीचिंग यू ग्रामेटिकल टॉपिक्स, वो ग्रामेटिकल टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। माइंड यू, इस जगह पर आपको ग्रामर की चीजें बहुत कम बताई जाएंगी और सही से इंग्लिश कैसे बोले ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले चीज पर बात करें, जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन। यू नीड टू नो कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। वन थिंग यू शुड ऑल्सो कंसिडर इन योर माइंड दैट आजकल जो है शॉर्ट एंड फॉर्म का जमाना चल रहा है, शॉर्ट करने का जमाना चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन को लोग शॉर्ट में आजकल इंट्रो भी कहते हैं। इसे कुछ और टर्म से भी जानते हैं, जैसे एक्वाइंटेंस, फैमिलियरिटी, आइडेंटिफिकेशन, इस तरह से भी चीजें चल सकती हैं। नाउ सपोज इफ यू आर मीटिंग समवन एंड यू आर कंप्लीटली अननोन टू हिम और हर, आप किसी से मिल रहे हो और आप उससे कंप्लीटली अननोन हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, एंड यू स्टिल वॉन्ट टू टॉक टू हिम, आप उससे अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आप उससे क्या पहला चीज पूछेंगे, उसका परिचय, या आप अपने आप को परिचित कराते हुए बातचीत शुरू करेंगे। आप किसी स्कूल में गए, किसी कॉलेज में गए, किसी ट्यूशन सेंटर में गए, आपको खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि अपना परिचय दो, तो भी आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। इंटरव्यू में भी जाएंगे तो दे विल बी आस्किंग यू वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट योर नेम और मे बी अबाउट योर इंट्रोडक्शन, वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन ही पूछेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही जाने कि आपको इंट्रोडक्शन पूछा कैसे जाएगा। द थिंग इज दे विल आस्क यू व्हाट्स योर इंट्रो, What is the shortened form of what is? What is का shortened form होता है what's, और वो आपसे यही पूछेंगे कि what's your intro या what's your introduction? आपसे पूछा जा सकता है introduce yourself, acquaint yourself, familiarize yourself, give me your identity, describe something about you, tell me something about you. इस तरह का कुछ भी आता है तो आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है कि they are asking you about your introduction. वो आपसे आपका परिचय ही पूछ रहे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि परिचय भी डिफर करता है, इंट्रोडक्शन भी डिफर करता है अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, जगह के स्थान, जगह के अनुसार, एंड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, स्थिति के अनुसार। एंड इंट्रोडक्शन भी जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ऑलवेज डू रिमेंबर दिस थिंग, इंट्रोज आर ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। द वेरी फर्स्ट इज सेल्फ इंट्रो, पहला जो परिचय होता है वो हमारा होता है सेल्फ इंट्रो, यानी खुद का परिचय। द सेकेंड वन इज फैमिली इंट्रो, दूसरा परिचय जो होता है वो पारिवारिक परिचय है, जिसे हम फैमिली इंट्रो कहते हैं। द थर्ड वन इज
प्रोफेशनल इंट्रो यह होता है व्यावसायिक परिचय, पेशागत परिचय, ये वो लोग देते हैं जो काम धंधा करते हो, किसी उद्योग से जुड़े हो, किसी नौकरी जॉब पेशे से जुड़े हो, तो उनका इंट्रोडक्शन इस तरह से होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम और व्हेनेवर यू आर आस्क्ड अबाउट योर इंट्रोडक्शन, जब भी आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो मेनली पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट यू, केवल वो आपसे आपके बारे में पूछते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इंट्रोडक्शन को लेकर, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, देर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस कि कई बार लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने एक मूवी देखी होगी धमाल, इसका बहुत सारा सीरीज आ गया है, तो धमाल मूवी में एक सीन है जहां पर मैं अरशद वारसी और जावेद जाफरी साहब, जिनका वहां कैरेक्टर नेम है आदि और मानव, थोड़ा सा सुन लीजिए, 2 मिनट की बात है, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा इसमें, तो वो वहां पर मैं उनको ट्रैप कर देते हैं उनके मित्र, और वो भागते हैं गोवा जहाँ एक सेंट सेबेस्टियन गार्डन पर बड़ा सा डब्ल्यू है और वहां करोड़ों का खजाना गड़ा हुआ है। ये दोनों ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, किसी तरह ये समाव निकल करके रोड पर आते हैं, सड़क पर आते हैं, और ये लिफ्ट लेते हैं एक साउथ इंडियन से। ये साउथ इंडियन जब इनको कार में लिफ्ट देता है तो ये पूछते हैं कि भाई साहब हमें गोवा जाना है, हम कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे? तो साउथ इंडियन साहब कहते हैं कि ये अपना इंट्रोडक्शन होते होते हम लोग गोवा पहुंच जाएगा। उन्हें लगता है वाह इतनी जल्दी, फटाक से वो हाथ निकाल के बोलता है हाय दिस इज आदि, उधर से बोलता है माई सेल्फ मानव, भाई साहब आपका परिचय। अभी भाई साहब शुरू करते हैं, माई सेल्फ अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, वेंकटा वेणुगोपाल अय्यर, श्रीनिवासना वेंकटा वेणुगोपाल अय्यर, ऐसे ही वो जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, उनका नाम ही नहीं खत्म हो रहा है। कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं, बेमतलब की बातें, बहुत सारी बातें, इधर उधर की बातें, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, ये वो 10 तरह का एड्रेस वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजें बोलते हैं कि अगर किसी को आपसे बात करने में इंटरेस्ट भी है तो बात नहीं करेगा, वो पहले ही बोर हो जाएगा, आपको छोड़ेंगे ही नहीं अपने बारे में पूछने के लिए उससे, तो वो बात क्या करेगा। तो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं, द ग्रेट स्कॉलर्स, द मोटिवेटर्स, द मोटिवेशनल स्पीकर्स, द इंग्लिश एक्सपर्ट्स, उन लोगों के अकॉर्डिंग, द साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक जो है, वो लोग कहते हैं कि योर इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड शुड बी स्टैंडर्ड, आपका परिचय छोटा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अब छोटा होने का मतलब ये भी नहीं कि रब ने बना दी जोड़ी का शाहरुख खान बन जाए, आप बोले हाय राज, नाम तो सुना ही होगा, ये भी इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ, इनसफिशियंट हुआ। आपको इंट्रोडक्शन में मिनिमम 4 चीजें, या यूं कहें मैक्सिमम 4 चीजें बतानी चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं समझे, एट फर्स्ट ऑब्वियसली यू नीड टू टॉक अबाउट योर नेम, सबसे पहले आपको अपने नाम को बताना है, फॉलोड बाय दैट यू मे टॉक अबाउट योर क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपको अपनी योग्यताओं के बारे में बात करनी है, स्पेशली द एकेडमिक्स ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही बताना है, कितने पढ़े लिखे हैं वगैरह वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और भी जो एकेडमिक्स के अलावा क्वालिफिकेशंस होंगे दैट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड। फॉलोड बाय दैट यू नीड टू टॉक अबाउट प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस बताना है। नाउ यू विल आस्क दिस थिंग कि व्हाई प्रेजेंट एड्रेस, व्हाई नॉट परमानेंट एड्रेस, हम प्रेजेंट एड्रेस क्यों बताएं, परमानेंट एड्रेस क्यों नहीं बताएं? द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज सपोज यू आर समवेयर इन दिल्ली, आप दिल्ली में हैं एंड आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहां पे आपसे पूछ रहा है कि इंट्रोडक्शन दो, और आपने वहां परमानेंट एड्रेस बताया कि आई एम फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, अब ये जगह उसने कभी सुना ही नहीं है तो शॉक्ड हो जाएगा, बोलेगा वेयर इज इट, अब इसी पर उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कई बारी परमानेंट एड्रेस हमारा ऐसा नाम होता है या ऐसा जगह होता है जिसके बारे में सारे नहीं जानते, तो इसीलिए आपको हमेशा प्रेजेंट एड्रेस बताना चाहिए क्योंकि लोग प्रेजेंट एड्रेस के बारे में जानते हैं। और इंटरव्यूज में खास करके ये भी देखा जाता है कि वर्क प्लेस से आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो कितनी दूर है, क्योंकि आपको आने जाने में मींस हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कम्यूट फ्रॉम योर वर्क प्लेस टू योर होम और रेजिडेंस एंड फ्रॉम योर रेजिडेंस टू वर्क प्लेस, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट एड्रेस बताना बहुत जरूरी होता है। तो दो चीजें, पहली ये कि आपको परमानेंट एड्रेस बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और दूसरी चीज ये कि वर्क प्लेस और आपके रेजिडेंस की दूरी कितनी ये देखी जाती है। आपने कभी अगर प्रोफेशनल रेज्यूमे देखा होगा, बायोडेटा देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि पहले नाम लिखा रहता है और उसके बाद फोटो वगैरह लगा हो और उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस रहता है, फिर ईमेल आईडी, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, कभी परमानेंट एड्रेस नहीं लिखा जाता, परमानेंट एड्रेस कहीं नीचे जाकर के पर्सनल डिटेल्स वगैरह में डाला जाता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू टॉक अबाउट प्रेजेंट एड्रेस। And followed by that, the last thing that you can include is your hobbies. उसके बाद आपको अपनी hobbies भी बतानी चाहिए। नहीं बताएंगे तो लोग पूछेंगे आपसे। Hobbies बताने की ये आवश्यकता है कि hobby ये determine करता है कि आप किस तरह के job के लिए perfect हैं। Suppose आप interview में जा रहे हैं and if your hobby is shooting, गोली चलाना, horse riding, bungee jumping, इस तरह का शौक है, तो आप किसी भी क्लैरिकल जॉब के लिए फिट नहीं माने जाते। इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म, साइकोलॉजिस्ट को ये लगता है कि आप गर्म खोपड़ी वाले हैं, आप उस जॉब के लिए फिट नहीं करते हैं।
इन द सेम वे इफ योर हॉबी इज कुकिंग खाना पकाना, इफ योर हॉबी इज पेंटिंग तो फिर ये समझा जाता है कि यू आर नॉट फिट फॉर जॉब्स लाइक आर्मी, फिर वहां पर में गर्म खोपड़ी वालों की जरूरत है उस जगह के लिए आप फिट नहीं करते हैं। ये एक चीज होती है जिसके चलते हॉबीज पूछी जाती है। दूसरी चीज कॉमन लोगों में बातचीत में हॉबी इसलिए शेयर करते हैं कि टू सेम हॉबीज टाइप ऑफ पीपल अट्रैक्ट ईच अदर, दो एक जैसे शौक के लोग जो होते हैं वो काफी नजदीक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का शौक है कॉइन कलेक्शन सिक्के इकट्ठा करना, किसी का शौक है स्टैंप कलेक्शन टिकट इकट्ठा करना, आप देखेंगे बहुत तेजी से नजदीक आएंगे, बहुत जल्दी एक दूसरे को कलेक्शन दिखाना शुरू करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स व्हाई यू नीड टू टॉक अबाउट योर हॉबीज एज वेल। ये एक तरीका है, इसको आप आगे पीछे करके कर सकते हैं। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू नीड टू टॉक अबाउट योर नेम फर्स्ट, आपको नाम पहले बताना है, ये तय है। और वो तीनों चीजों को आप आगे पीछे कैसे भी करके कर सकते हैं। आप एक प्रैक्टिस करिए इसको, अपने से एक प्रैक्टिस करिए, इन चारों चीजों का इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करिए। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक परफॉर्मा भी दूंगा, दो तीन तरीके से इंट्रोडक्शन भी बताकर दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने इंट्रोडक्शन को और अच्छा कर सकते हैं। बेटर है अपने से एक दो चार लाइन का इंट्रोडक्शन बनाएं, कभी क्वालिफिकेशन आगे रख दें, कभी हॉबी आगे रख दें, कभी प्रेजेंट एड्रेस आगे रख दें, ऐसे करके आप एक इंट्रोडक्शन बनाएं। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन आने लगे तो फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन का पूरा एक परफॉर्मा दूंगा और दोनों तीनों को मिला करके आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही सॉलिड बनेगा। आई होप कि आपको ये चीजें काम करें और आपको इससे थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय द सेशन।